प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार हम 7-8 केंद्र वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट में हमारा घर स्टेट्स में जाके वहाँ प्रदेश की सरकार से वहाँ का इकाइयों से बात करके, तो इस बीच में अकाल वृष्टि हुआ, कुछ इलाका में ओलावृष्टि हुआ, थंडर स्टॉर्म्स के कारण से जो किसानों को तकलीफ पहुंचा उसके बारे में स्थिति क्या है, कितना इफेक्टिव हुआ है और उसके कारण से कितना नुकसान हुआ है, वहाँ का वस्तु स्थिति क्या है, इन विषयों में के बारे में आपस में चर्चा करके अध्ययन करके एक रिपोर्ट देना, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। हमारा सरकार ने यह तय किया किसान को कष्ट हो रहे तो कम से कम उस प्रदेश में जाके वहाँ प्रदेश सरकार से बातचीत करके वस्तु स्थिति जान के वापस आके आपस में बैठ के केंद्र मंत्रिमंडल इस विषय में चर्चा करके निर्णय करना चाहिए, यही उद्देश्य मैं आज आया हूँ। पद्धति आपको मालूम है कि प्रदेश सरकार कितना नुकसान हुआ, कितना फसल डैमेज हुआ, वीट का नहीं तो पैड़ी है तो पैड़ी का, काटन का और यहाँ का अन्य इलाके में कैस्टर का, अलग अलग कुछ वेजिटेबल का पूरा डैमेज के डिटेल्स उन्होंने प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो है वो एस्टिमेट्स हमको दिया है और एक प्रेजेंटेशन भी दिखा है मुख्यमंत्री जी और 5 मंत्री मिलके, उन्हें पूरी पॉइंट्स नोट किया हमने, गंभीरता हमको समझ में आया। गुजरात को जरूर मदद करना चाहिए, मुख्य रूप में मुख्यमंत्री ने 2 विशेष बात उन्होंने उल्लेख किया। एक वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैलामिटी रिलीफ फंड में नाम्स है, वो नाम्स के अंतर्गत 50% के ऊपर डैमेज हो गए तो तभी आपको समर्थन मिलेगा, उनको कंसिडरेशन करेगा। मगर मुख्यमंत्री का रिक्वेस्ट यह है प्रदेश सरकार का, ये 25 और 50 के बीच में जो डैमेज हुआ उसको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए, उन लोगों की मदद करना चाहिए। और देश में 7-8 स्टेट्स में ऐसा किसानों को नुकसान हुआ और साथ ही साथ कुछ नाम्स में भी परिवर्तन लाने के लिए, अमाउंट थोड़ा बढ़ाने के लिए, जो अमाउंट देते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट है, ये अमाउंट केवल प्रधानमंत्री के विवेचन के नहीं तो वित्त मंत्री के विवेचन से होता नहीं है, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला भी स्टेट्स के साथ बातचीत करके तय करना। इन दोनों विषयों में के बारे में हम गंभीरता से केंद्र स्तर पर अध्ययन करेंगे।